हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सीजीपीएससी पेपर सिक्स का फिलॉसफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो पेपर सिक्स फिलॉसफी एक ऐसा टॉपिक था जहां पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थे जिनको मुझे अंडरस्टैंड करने में और उनके टर्मिनोलॉजी से कीवर्ड्स को याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये तकलीफ आपको ना हो, क्योंकि किस प्रकार से मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी और कौन से तरीके से मैंने अपनी परेशानियों को कम किया। एंड एट द एंड आई स्कोर्ड अ वेरी गुड 135 मार्क्स इन पेपर सिक्स, ठीक है, जो कि वन ऑफ द टॉप मार्क्स थे उस 2019 पीएससी के। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां लोगों करते हुए देखी हैं और मैंने क्या क्या गलतियां नहीं की हैं, जिसके कारण मेरा फिलॉसफी की जर्नी बहुत ईजी और बहुत ही फ्रूटफुल रही एट द एंड। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए देखते हैं पेपर सिक्स फिलॉसफी पढ़ने का आसान तरीका। पहला टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, नेवर गूगल फिलॉसफर्स। मैंने लोगों को देखा है 5-5 महीने 6-6 महीने कंप्यूटर सिस्टम्स में बैठ के फिलॉसफी के टॉपिक्स में पीएचडी करते हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे एक 8 मार्क्स क्वेश्चन में क्या कॉन्क्रीट चीज़ें लिखेंगे आप उस पर्टिकुलर फिलॉसफी के बारे में, ये उनका वीक रहता था। गूगल करने के साथ दिक्कत ये है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक इतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया है इतने सारे वेबसाइट्स में, और वहाँ पे छाटना उस पर्टिकुलर चीज़ को बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप एक छोटा सा फिलॉसफी है जिसको आप हार्डली 5 मिनट में आप उसके नोट्स बना सकते हैं, उसमें आपको 5 घंटे लग जाएंगे, बट फिर भी वो 5 जो काम की चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। तो मेरा स्ट्रिक्ट एडवाइस है, नेवर एवर गूगल फिलॉसफी के टॉपिक्स। अब गूगल नहीं करना है तो कहाँ से पढ़ना है? कोई भी 2 पॉपुलर पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक चूज़ कर लीजिए। बुक कैसे चूज़ करना है? ऐसे कई पब्लिशर्स हैं जो पर्टिकुलरली स्कैम कर रहे हैं फिलॉसफी के नोट्स के नाम पे। उन्होंने टॉपिक लिख दिया है लेकिन अंदर कुछ भी कंटेंट चल रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर बुक से आप बचिएगा। कोई भी 2 बुक चूज़ कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में मैंने फॉलो करी थी जहाँ मुझे लगा कि ठीक ठाक कंटेंट है। डेस्टिनी पब्लिकेशन की अच्छी है, आप उसको अपना बेस मटेरियल बना सकते हैं। प्लस इसके साथ अगर इंग्लिश में या फिर आपके पर्टिकुलर इंग्लिश या हिंदी मीडियम में कुछ और कंटेंट अवेलेबल है तो उसको आप देख लीजिएगा। 2 बुक लेना है, ठीक है, 2 बुक लीजिए, उसमें से एक को अपना बेस मटेरियल बनाइए और दूसरे से उसको वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ यही वही सेम चीज़ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, और उसको लास्ट में नोट्स बना लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फिलॉसफी में फैंसी वर्ड्स के पीछे नहीं जाना है, लैंग्वेज में नहीं जाना है, लेंथ ऑफ द कंटेंट में नहीं जाना है, आपको सीधा समझना है क्रक्स ऑफ द इशू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, बहुत गंदी बहस हो रही है, आधे घंटे से चल रहा है, किसी ने किसी का कॉलर पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर दिया, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको क्या समझना है इन दोनों के बीच में झगड़ा किस मैटर को लेके हुआ? हो सकता है गाड़ी ठुक गई होगी, ठीक है, जैसे रोड में भीड़ जमी हुई है, कुछ हो गया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि भीड़ में कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, पुलिस खड़ी हुई है, थानेदार खड़ा हुआ, ये नहीं देखना है। हुआ क्या है? एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोगों के बीच में कार पार्किंग को लेकर इशू हो गया, क्या तो उस क्रक्स को पकड़िए। तो सिमिलरली फिलॉसफर्स क्या होते हैं, फिलॉसफीज में ऐसा होता है कि इट्स लाइक सब्जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पनीर की वेराइटीज़ हो गए, पनीर कढ़ाई, पनीर लबाबदार, ठीक है, पनीर मसाला, कुछ भी जो चल रहा है इसका कोर क्या है, पनीर है उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग ग्रेवी में ये फिलॉसफी का जो क्रक्स है उसको लपेट के अलग अलग सब्जी टाइप का परोसा गया है। आपको क्या समझना है इन सब सब्जियों में कॉमन क्या है, पनीर। तो सिमिलरली उसी तरीके से एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग कंटेंट्स के साथ दिया होगा, लेकिन आपको समझना है क्रक्स उसका, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द फिलॉसफी, वो हार्डली 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं है, उसके अराउंड ही पूरे आंसर्स फ्रेम होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार आपने क्रक्स समझ लिया है, 2 बुक्स को साथ में देख लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज के नोट्स बनेंगे पर टॉपिक। फिलॉसफी में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे कौटिल्य का मंडल थ्योरी एंड ऑल को छोड़ के, कि उसका 2 पेज से ज़्यादा नोट्स बनेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू पे मेक 1 पेज नोट्स, 1 A4 साइज के पेज में आ जाना चाहिए। एंड इसका की यही है, जब आप उसके क्रक्स को समझ जाएंगे, जब अच्छे से नोट्स बना लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे और उसको कुछ दिन रहने देंगे, 15-20 दिन बाद, उसके बाद उसको एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेक 1 पेज नोट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मुझे मिली फिलॉसफी सब्जेक्ट्स के लिए वो ये है कि डोंट ट्रीट फिलॉसफी एज फिलॉसफी,
ट्रीट इट एज अ साइंस। फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एसिड और बेस मिलके बना लिए हैं सॉल्ट। इसमें ना मैंने सवाल किया ना आपने सवाल किया, बुक में लिखा था, हमने रट लिया, वी हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट। अब उस फिलोसोफर की आत्मा भगवान से बात कर रही है या भगवान उस फिलोसोफर से बात कर रहे हैं, उसकी आत्मा निकल रही है, उसकी आत्मा परमात्मा हो चुकी है, इससे अपने को मतलब नहीं है। उसने कहा कि उसकी आत्मा निकल रही है, इसका मतलब उसकी आत्मा निकल रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना है। अगर वो बोल रहा है कि आसमान में उसको पक्षी दिख रहा है या बादल से उसको भगवान की मूर्ति दिख रही है, भगवान की एक छवि दिख रही है, तो दिख रही है। उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार ये भगवान की छवि नहीं दिख रही है, ये तो हाथी टाइप का दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। उसने कह दिया ना, बस कह दिया। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, कभी खुशी कभी गम, कह दिया तो कह दिया, मतलब फिलोसोफर ने कह दिया तो कह दिया, डैट्स इट। उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, खुद फिलोसोफर नहीं बनेंगे, उसके व्यूज़ को काउंटर नहीं करेंगे। उसने ऐसा बोल दिया, डैट्स इट, उसका क्रक्स पकड़ के एक पेज का नोट्स बना के उसको डायरेक्टली रेप्लीकेट कर देंगे, डैट्स इट। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। उसके बाद शिवजी चाहत, डोंट ओवर थिंक। बादल में अगर फिलोसोफर को भगवान दिख रहे हैं तो उसमें उसको रब दिखता है, डैट्स इट, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, तो डोंट ओवर थिंक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार आपके नोट्स बन गए हैं, आप उसको एज अ साइंस ट्रीट कर रहे हैं, उसको ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, तो प्रिपेयर मॉडल आंसर्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रमा या अप्रमा का डेफिनेशन पूछ रहा है तो चार लाइन में मैं क्या लिखूंगा, एग्जैक्ट कॉन्क्रीट मॉडल आंसर प्रिपेयर करके रखिए। और यही जो आपका प्रिपेयर्ड है चीज़ें, इसको जाके आंसर कॉपी में एज इट इज़ उतारना है, एंड बहुत ही एक्सपेक्टेड पोर्शंस आते हैं एंड यहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कीप रिवाइजिंग। फिलोसफी ऐसा सब्जेक्ट है, जब पहली बार मैंने उसको उठाया था तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा अगर सातों पेपर में बोले मैं कंफर्टेबल कौन से पोर्शन से था, तो प्रोबेबली इट वॉज पेपर फोर एंड फिलोसफी। ये फिलोसफी इतने बार मैं पढ़ चुका था, उसका क्रक्स इतने अच्छे से मुझे समझ में आ गया था कि मुझे लगा कि येस इट इज़ डूएबल। तो आप रिवाइज करते रहिए, एंड वंस अगेन जैसे मैं मेंस में रिपीट करता हूँ, पेपर फोर एंड पेपर सिक्स का कंठस्थ होना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि पेपर थ्री और पेपर फाइव के साथ होते हैं एग्जामिनेशन, और एक दिन में दो पेपर होते हैं जिनको रिवाइज करना पड़ता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका जो सेकेंड हाफ वाला पेपर है वो कंठस्थ रहे, ताकि आपका प्रेशर थोड़ा सा कम आए और रिवाइज हो पाए। तो जस्ट कीप रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट्स, एंड बिलीव मी फिलोसफी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, एंड आप इसको जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं उतने अच्छे से पढ़िए। आशा करता हूँ कि ये जो ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रैक्टिकल टिप्स दी है, ये आपकी फिलोसफी जर्नी आसान करेगी एंड आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगी सीजीपीएससी में। पढ़ते रहिए, इजाज़त लेंगे आपसे, जय हिंद।